डीएसपी मोहम्मद सिराज को सजा सुनाई, ट्रेविस हेड पर क्यों नहीं हुई कार्रवाई, आईसीसी के बेतुके फैसले ने चौंका दिया। तो ट्रेविस हेड और मोहम्मद सिराज के बीच दूसरे टेस्ट मैच के दौरान लड़ाई हुई थी। ट्रेविस हेड को बोल्ड करने के बाद मोहम्मद सिराज ने उनसे कुछ कहा था और ट्रेविस हेड की तरफ से भी कुछ अपशब्द सामने आए थे। दोनों के बीच नोकझोंक हुई थी, दोनों के बीच तकरार हुई थी और मोहम्मद सिराज ने ट्रेविस हेड को सेंड ऑफ भी दिया था और ट्रेविस हेड भी लगातार मोहम्मद सिराज के साथ थोड़ी सी अभद्रता कर रहे थे और कुछ ऐसे शब्द बोल रहे थे जो उनको नहीं बोलने चाहिए थे। हालांकि बाद में मामला रफा दफा हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों कप्तानों ने कहा चलिए कुछ नहीं होता, लेकिन अब आईसीसी ने इस मामले के ऊपर सजा सुनाई है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि सजा सिर्फ मोहम्मद सिराज को दी गई है और ट्रेविस हेड को इस मामले में क्लीन चिट मिल गई है। तो क्या हुआ है? आपको बता दें कि सिराज हेड की लड़ाई हुई थी और दूसरे टेस्ट में हुए थे ये दोनों आमने सामने और हेड को आउट करने के बाद ये पूरा विवाद हुआ था जब सिराज ने उनको बोल्ड मार दिया था और अब आईसीसी ने इस लड़ाई पर की है कार्रवाई। जब क्रिकेट के मैदान पर ऐसा कुछ होता है तो आईसीसी एक्टिव हो जाती है और आईसीसी कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर करती है और डीएसपी सिराज पर 20% का जुर्माना आईसीसी ने लगाया है। मोहम्मद सिराज पर आईसीसी ने 20% का फाइन लगाया है और अब मोहम्मद सिराज को अपनी मैच फीस का 20% देना होगा आईसीसी को। यानी कि सिराज की तरफ से जो चीज़ें कही गई या जो भी कुछ कहा गया, जो हुआ सेंड ऑफ दिया गया, अब उसकी वजह से आईसीसी ने मोहम्मद सिराज पर जुर्माना लगा दिया और एक डीमेरिट पॉइंट भी आईसीसी ने मोहम्मद सिराज पर जोड़ दिया है। 2 साल में मोहम्मद सिराज की पहली गलती है और अगर अगली गलती हो जाती है उनसे 1 साल के अंदर तो मोहम्मद सिराज पर 1 टेस्ट मैच का बैन भी लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर हैरानी वाली बात यह है कि हेड पर आईसीसी ने कोई जुर्माना नहीं लगाया। दोनों कसूरवार थे, दोनों के बीच लड़ाई हुई थी, दोनों के बीच विवाद हुआ था, लेकिन सिराज को 20% फाइन देना पड़ा और हेड की मैच फीस से पैसा नहीं कटेगा। ट्रेविस हेड की मैच फीस पे कोई पैसा नहीं कटेगा। आईसीसी ने उनकी मैच फीस पर कुछ भी जुर्माना नहीं लगाया, उनको जाने दिया है कि भाई कोई दिक्कत नहीं, आपने जो किया ठीक किया, लेकिन अब मोहम्मद सिराज के ऊपर पैसे काटेंगे। और हेड पर आईसीसी ने एक डीमेरिट पॉइंट बस जोड़ दिया है। लेकिन यहाँ पर जो सवाल उठता है वो ये कि जब दोनों की लड़ाई हुई, दोनों ने एक दूसरे को उल्टा सीधा बोला, तो यहाँ पर सिर्फ मोहम्मद सिराज के ऊपर ही आईसीसी ने कार्रवाई क्यों की? क्यों ट्रेविस हेड को इस पूरे एपिसोड में, इस पूरी लड़ाई में उनके ऊपर मैच फीस नहीं कटी, उनके ऊपर जुर्माना क्यों नहीं लगा? ये बहुत हैरान करने वाली बात है और ये कोई पहली बार नहीं कि आईसीसी ने इस तरह के उल्टे सीधे फैसले किए हैं। पहले भी हमें याद है कि जब भी हम ऑस्ट्रेलिया जाते रहे हैं वहाँ पर इस तरह के विवाद होते रहे हैं और स्पेशली इंडियन प्लेयर्स को चुना जाता है, इंडियन प्लेयर्स को टारगेट किया जाता है और उन्हीं की मैच फीस काटी जाती है। ये सब जो जुर्माना है ये फॉरेन प्लेयर्स पे नहीं लगाया जाता। और आप देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि सिराज ने घुसा मार दिया हो, उसका कुछ भी बॉल मार दिया, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जुर्माना सिर्फ लगा भारतीय प्लेयर पर और अपने ऑस्ट्रेलिया वाले प्लेयर को जाने दिया। तो ये पूरा मामला है, ये पूरा एपिसोड है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ।